विरंती जी, इस लोकसभा चुनाव के बाद जो है एक नई पार्टी जो है जयराम महतो उभरकर सामने आया है। आप जिस विधानसभा से आते हैं उन्हीं क्षेत्रों में जो है लोकसभा धनबाद बोकारो गिरिडीह में उनका प्रभाव और देखने को मिला रांची में, क्या लगता है विधानसभा में आपके आपको और आपकी पार्टी के जो आजसू गठबंधन उनको नुकसान करेंगे? देखिए, उनका कोई नुकसान हमें नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन मुद्दों को लेकर वो चल रहे हैं, जिन विषयों को लेकर चल रहे हैं, एक जाति विशेष में सिमट कर रह गए हैं। और कोई एक जाति को लेकर चलेगा तो कभी वो राज्य की बागडोर संभाल नहीं सकता, राज्य को कोई दिशा दे नहीं सकता। सबसे पहले उनको राज्य की 3.5 करोड़ जनता की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलाकर सम्यक सोच रखनी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। 8.5 लाख वोट लेकर आए लोकसभा में आप जीतने के लिए? देखिए, वोट लाना, गुजरात में हार्दिक पटेल का भी आपने नाम सुना होगा, कहाँ है हार्दिक पटेल आज? बीजेपी में, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं कि कहाँ है हार्दिक पटेल आज? इशारा कर रहे हैं कि जयराम भी आप लोगों के साथ आएंगे। देखिए, हमारे दल में हर वो व्यक्ति जो सकारात्मक सोच रखता है उसका स्वागत है। नहीं नहीं, आयसु क्यों नाराज रहेगी? आयसु के तो लोकसभा के एक सांसद बने और हम लोग इंटैक्ट हैं पूरी तरह से। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे सुरेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी? नहीं, ये ऐसा नहीं है, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन नाराजगी की कोई बात नहीं। आज से आप लोग विधानसभा की तैयारी में जुट गए, क्या टारगेट मिला यहाँ से? टारगेट तो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बने, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि देश के दो मूर्धन्य नेता श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमान हेमंता विश्व शर्मा जी, ये दोनों ही बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे संगठन करता है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सांसदों को, प्रदेश पदाधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया और जिस तरह से बातें रखी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का हमारा नेतृत्व और उन दोनों मूर्धन्य नेताओं का मार्गदर्शन आगामी दिसंबर महीने में, नवंबर दिसंबर या जब भी चुनाव होगा, सुन रहा हूँ कि अक्टूबर में भी चुनाव हो सकता है, जब भी चुनाव होगा तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त हो। क्या आप लोगों को कोई टास्क भी दिया गया है? नहीं, टास्क तो एक ही है कि लगना है और लगना है, चैन से बैठना नहीं है जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। जो लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई, 5 ट्राइबल सीट आप लोगों ने लूज किया, क्या यहाँ पर उसको लेकर चर्चा हुई कि विधानसभा में कैसे अच्छा प्रदर्शन करना? देखिए, हम देखिए, जो सीट हमने जीती उसकी तो आप चर्चा कर नहीं रहे हैं, और जो हम जहाँ चूके उसकी चर्चा कर रहे हैं। जिन 5 लोकसभा सीटों में हम कमजोर रहे, थोड़े पीछे रहे, हम उनका विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, उनके यहाँ जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके गांव में जाएंगे, बैठेंगे। आखिर उस सारे लोग हमसे जुड़े थे, जिन कारणों से हमसे दूर गए, हम उनके भ्रम को दूर करने का काम करेंगे। आदिवासी कोई बड़ा नेता उस वो काम नहीं कर पा रहा है क्या? नहीं नहीं, बड़े चेहरे आपके पास आए बाबूलाल? नहीं नहीं, माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे बड़े, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, अर्जुन मुंडा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता हैं हमारे। देखिए, लोकतंत्र में हार और जीत चलता रहता है, लेकिन जो कमियां हैं उसकी समीक्षा करके गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं इंजीनियरिंग तो चलिए आइए रांची के ओरमांझी में स्थित RTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में। यहां कम खर्च में आप BTech में EEE, ECE, CSE, ME, CE, डिप्लोमा में EEE, ME, CE कर सकते हैं। यही नहीं, अब यहाँ BBA और BCA की भी पढ़ाई शुरू हो चुकी है।